بالله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهديك المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. ये तमाम सुरफातिया के तमाम मोमिन मोमनात के लिए तमाम उलमाए कराम महराज एजान और तमाम शहदा मिल्लत के लिए और हम सब के आबा अजदाद और आयजा और शहदारों के लिए रहमतुल्लाह व बरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिकिल्यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन इहदिनस-सिरातल-मुस्तकीम दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला दुनिया में जहाँ जहाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले मानने वाले हैं उन सब की और खुसूसन अफगानिस्तान में मोमिनीन की हिफाजत तमाम दुनिया के मोमिनीन की और खुसूसन अफगानिस्तान के मोमिनीन की हिफाजत के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ ही वो तमाम मोमिनीन जो यहाँ पर बादशाह की खिदमत में मसरूफ हैं जिस गुमान से भी उनके लिए और खुसूसन इन नौजवान खिदमत गुजारान अहले बैत के लिए जो सोज़ व सलाम और नौहे और मरसिए के ज़रिए से बच्चे खिदमत अंजाम दे रहे हैं खुसूसन ये हमारे छोटे मुजाहिद के लिए और आदम अहले बैत के लिए पर इन सब की हिफाजत के लिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि اللهم صل على محمد محمد اور ہم تو ان بچوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ جب ہم اتنے تھے تو ان چیزوں سے بالکل واپس آئے دعائے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزاروں میں سے اور ظاہر ہے کہ جب امام کی خدمت گزار ہوں گے تو بلا شک مذہب حق اہل بیت کے خدمت گزاروں میں سے دفاع کرنے والوں میں سے اور اس کی تربیت کرنے والوں میں سے قرار اب جب یہ گفتگو یہاں تک ان بچوں کے بارے میں ہوئی گئی تو ایک کام کے جو پہلے دن ہم نے سوچا تھا اس کے بعد توجہ ہٹ گئی تھی اور وہ پہلے دن ہونا چاہیے تھا کہ آیا بچوں کو کوئی اردو میں پرابلم تو نہیں ہو رہا بات کلیئر ہے بالکل اس موضوع کی جانبی توجہ دلائیں کہ ظاہر ہے کہ جب انسان ایک نئے کلچر میں آتا ہے تدریجاً وہاں کی زبان کو ایڈاپٹ کرتا ہے اور عموماً ماں باپ یہ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں کہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی البتہ اردو نہیں آتی یہ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ایک تو وہ ہیں کہ جو انڈیا پاکستان میں ہیں کہ جو وہیں پیدا ہوئے وہیں پلے وہیں بڑھے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اردو اور ہندی نہیں آتی ان سے تو وہاں ہم یہ کہتے تھے کہ اگر اردو بھی نہیں آتی ہندی بھی نہیں آتی اور انگلش بھی نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے بہت اب نارمل ہے آپ کو رہ گیا مسئلہ یہاں کا تو یہاں تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ بچوں کا ظاہر انٹریکشن جن سے ہوگا تو اسی دوران کو سیکھیں لیکن ان بچوں کو توجہ دلائیں کہ ایک زبان کا آنا ایک ہنر ہے دو زبان کا آنا اور بڑا ہنر ہے تین زبانوں کو آپ جانے تو اور بڑا ہنر ہے چار کو جانے تو اور بڑا
ये जो हमारी गुलामाना फितरत है खुसूसन इंडिया पाकिस्तान के लोगों की कि वो फख्र जाहिर करते हैं ये क्या कि हमें हिंदी और उर्दू नहीं आती, ये कोई अजमत की बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस आए, बड़ी बात यह है कि जो भी लैंग्वेज आए वो ऐसे बोले कि लोग कहें कि आप कौन हैं। अब आपको जब अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई कि माशाल्लाह इतने साल यहां रहने के बाद और कुछ बच्चे यहां पैदा हुए और उर्दू में, वो भी एक अदबी उर्दू, उर्दू लिटरेचर की चीज, यानी सोज और सलाम और नौहा और मरसिया और अशार आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इंटेलिजेंट है और अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। जब ये कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप इंग्लिश में भी बेहतरीन है, जैसा कि यहाँ पर है, बाज लोग फ्रेंच में बेहतरीन है, और अगर हो सके तो दोनों में बेहतरीन हो, और अगर इसी के साथ साथ और जमाने भी सीख सकें, और खुसूसन यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन रखें, उनको मजहब हक़ अहले बैत से आशना कराएं, और खुसूसन जो यहाँ का एक मजलूम तबका है यानी कैनेडा में, कि जिन पर जाहिर है कि उस जमाने के कॉलोनियल्स ने जुल्म किया कि जो यहाँ के नेटिव्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट रखें, उनको बताएं, क्योंकि ये मजलूम है तो मजलूम हुसैन को समझेंगे। इनमें और हम में एक इश्तराक है, कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज है, हम भी कत्ल हुए हैं, ये भी कत्ल हुए, ये बहुत बड़ी एक अहम चीज होती है यार। मजलूम का मजलूम से ताल्लुक, जालिम का मजलूम से ताल्लुक नहीं हो सकता, मजलूम का मजलूम से हो सकता। बस चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका के लोग हों जो वहां के नेटिव अमेरिकन से कॉन्टेक्ट में रहें, और चाहे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ओरिजिनीज वगैरह से कॉन्टेक्ट में रहें, और उनको अल्लाह रसूल और सही दीन यानी अहले बैत रहमतुस्सलाम की जानिब दावत दी। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि ये आप बात ये बच्चे कर सकते हैं जो यहां पैदा होके उर्दू का कलाम पढ़ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, अंडर एस्टिमेट न करें अपने आप। और क्योंकि आपकी जबान से अहले बैत का जिक्र हो रहा है, आपकी जबान में इतनी पावर आ चुकी है कि जिसको फकत आपको टेस्ट करना है, लिहाजा अंडर एस्टिमेट न करें और ये सोचें कि जिस अल्लाह ने आपको उर्दू के अशार पढ़ने की तौफीक दी, समझने की तौफीक दी, इसका मतलब है कि वो आपसे और बड़ा काम लेना चाहता है। सबा पाए मोहम्मद वाले अलबत्ता इस वक्त एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट्स कि जो इंग्लिश में भी, अरबिक में भी, और इसी तरह से डच, रशियन लैंग्वेजेस, 8-10 लैंग्वेजेस में आप ही की एज के पास बच्चे यूरोप अमेरिका से काम कर रहे हैं। पढ़ा विलमी काम करना बहुत आसान है, जो चीज देखना चाहे सर्च कर लें, जो काम करना चाहे सर्च कर लें, और आप ही जो बच्चे बैठे हुए हैं इनमें से मुमकिन है कि आज ये इधर बैठे हैं, हम अगर ऊपर बैठे हैं तो उनसे बड़े नहीं है ये बच्चे, मुमकिन है 50 साल के बाद वो काम करें कि तारीख तशय्यो इनके ऊपर फख्र करें। लिहाजा बुजुर्गों ने यहां पर जो काम किया, जो मुझे लग रहा है कि बच्चों को आगे बढ़ाया। मैं तबा से पाकिस्तान में भी कहता था कि बच्चे सोज पढ़ें, सलाम पढ़ें, दुआ पढ़ें, अभी से किस्सा पढ़ें, उनको पढ़ने दिया जाए, उनकी तारीफ की जाए, उनको आगे बढ़ने दिया जाए। परफेक्ट वही लोग होते हैं कि जिनको चांस मिलता है। अलबत्ता यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वाहन परफेक्ट, अब या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इंटेलिजेंट, या यहाँ के बुजुर्गों ने इनके ऊपर वाहन काम किया है और इनको चांस दिया है। और ये ध्यान में रखें कि आइंदा भी कोई बच्चा आए और पढ़ने में अटके या ना बोल सके या प्रोनाउंसिएशन सही ना हो या घबरा जाए, तो उसको इमाम हुसैन का खादिम समझ के उतना ही एहतराम दें जितना इनमें से एक परफेक्ट बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा भी परफेक्ट जब होगा, जब टाइम उसको और चांस उसको दिया जाएगा और साथ में अप्रिसिएशन भी मिलेगा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले हम तो साफ कहते हैं कि हमें तो जो बच्चा भी पढ़ता हुआ लगता है तो हमें अपने आप से बहुत अरफा वाला लगता है, क्योंकि हम तो
शुरू में किसी भी चीज से आशा नहीं थी, बिल्कुल नील पटा नहीं थी, बिल्कुल नील पटा। और इन बच्चों को देख के वाकई फख्र होता फिर हम तीसरी दफा आज करें, और ये बहुत बड़ी बात है और इन चीजों को सादा नहीं लेना चाहिए। फिर दोबारा हम कहते हैं कि हम सबकी तौफीकात में इजाफे के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद اللهم صل على محمد وعلى محمد। اب ذرا سی بات آگے بڑھی جائے کیونکہ جب ان کے بارے میں اتنا ڈسکشن ہو گیا، یہی آئندہ کے علماء ہوں گے، یہی آئندہ کے معمار ہوں گے، یہی آئندہ کے لیڈر ہوں گے، یہی آئندہ کے پولیٹیشین ہوں گے۔ جب یہ ہم نے دین کی بات کی تو اس سے مراد نہیں ہے کہ صرف آپ مسجد امام بارگاہ میں، آپ پالیٹکس میں بھی جائیں، آپ تجارت میں بھی جائیں۔ دین کی خدمت کے لیے ضروری نہیں نجف یا عمد، آپ ہی میں سے بعض نوجوان، اور اس وقت ہم بعض نوجوانوں کو جانتے ہیں جو 12-12, 13-13 سال کے، وہ یوٹیوب چینلز بھی چلا رہے ہیں، فیس بک کے پیج بھی چلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی تحقیق اسی طرح سے شروع کی کہ جہاں ان کو شیعت پر ایک اعتراض نظر آتا ہے تو وہ اس کو گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک تقریر نکالتے ہیں، اس تقریر کو جو ہے یا ترجمہ کرتے ہیں یا ترجمہ ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ایک عالم کتاب کھولے اور اس کے بعد وہ لکھے، اور لکھنے کے بعد جو ہے اس کو ایک کاتب آئے وہ اس کو کیا کہنا چاہیے، پہلے لکھتے تھے بٹر پیپر کے اوپر، پھر اس کے بعد وہ لکھے، پھر اس کے بعد وہ کارخانے میں جائے۔ اب جو کام ہے کتنا آسان ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہو اس کو لکھیں، لکھنے کے بعد اتنی ساری ہماری ویب سائٹ ہے، مثال کے طور پر شیعہ پین ہے، آنسرنگ سارے درجنوں قسم کی ہو گئی ہیں، وہاں سے کاپی کریں، دوسری جگہ اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر جا کے پیسٹ کر دیں، ایک نئی ویڈیو بنائیے وہاں سے اٹھائیں، اگر وہ ایک گھنٹے کی ہے اس میں 20 ٹاپک ہیں تو آپ اس ایک گھنٹے کی ویڈیو کو 2-2 منٹ کے، 1.5-1.5 منٹ کے 20 ٹاپک بنا کے ہیڈنگ لگا کے آپ پوری خدمت انجام دیں۔ اس کام کے لیے صرف آئیڈیاز کی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں، صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ اہم ترین کام ہوگا کہ معصومین کو نظر میں رکھیں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بس اتنی سی بات، بظاہر اتنی سی بات ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ جیسے ہی آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو خود بخود آپ ادھر بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہر دفعہ معجزہ نہیں ہوتا، لیکن آپ میں اتنی ایبلٹی آ جائے گی کہ 10 سال کے بعد آپ کہیں گے کہ بھائی تو معجزہ ہو گیا ہے جو ہمیں اتنی چیزیں آ گئی۔ لہٰذا آپ پڑھائی پہ توجہ دیں، دینی موضوعات پہ توجہ دیں، ان کاموں میں توجہ دیں، بڑے بزنس مین بننے کا بالکل خیال ذہن میں رکھیں، پالیٹکس میں آنے کا بالکل خیال ذہن میں رکھیں۔ پالیٹکس میں آنا تمام ممالک میں تمام معاملین کے لیے لازم ہے، جہاں بھی ڈیسیشن لیا جاتا ہو وہاں پر ایک نہ ایک، کم از کم ایک نہ ایک آدمی ضرور ہو کہ جو ہمارا ریپرزینٹیٹو، جو ہمارے مسائل بیان کر سکے، جو ہمارے پرابلم بیان کر سکے، اور اگر ہمارے خلاف کوئی بات کا امکان ہے تو وہ کھڑا ہو کے اس کو روک سکے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب آپ میں سے کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھے پالیٹکس میں آنا ہے اہل بیت کی خدمت کے لیے، تو یہ سوچنا خود عبادت ہے اور اس کے لیے کام کرنا خود عبادت ہے۔ کوئی آپ کو بے شک کہے کہ تم سیاست میں جا رہے ہو، سیاست دان ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، کوئی فکر نہ کریں، اللہ کے لیے اگر کام ہے تو کسی قسم کی کسی بھی بات سے نہ گھبرائیں، صبر کریں، محمد والے امامت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور کل ہم نے ڈسکشن کیا کہ امامت اور خلافت کا وہ کانسیپٹ جو ہمارے دیگر مذاہب اسلامی میں ہے وہ خالصتاً بادشاہت ہے، اور دنیاوی پاور اور اقتدار ہے۔ ہمارے اندر حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک لطف و کرم ہے اور ختم نبوت کی علامت ہے۔ غدیر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ غدیر در حقیقت اعلان ہے ختم نبوت کا، کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک جو کام ہوا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کو آگے بڑھانے کا۔
लिहाजा जब गदीर को डिस्कस करें तो कहें कि ये दरहकीकत ऐलान है खत्म नबुव्वत का। और बड़ी अजीब बात यह है कि कुछ रिवायात को तो अहले सुन्नत में है कि जो अबू हुरैरा से नकल हुई गदीर के रोजे के बारे में, और कमाल यह है कि गदीर के रोजे का सवाब भी 60 साल बयान हुआ है, और उस रिवायत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होने की जो तारीख बयान हुई है वो 27 रजब बयान हुई है, और उसका सवाब भी 60 साल बयान हुआ है। तो जब बात की जाएगी विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कहा जाएगा 17 रबीउल अव्वल, और फिर उसके बाद मौला अमीरुल मोमिनीन की विलादत अहम तरीन मौजू होगा यानी 13 रजब। लेकिन जब बात की जाएगी गदीर की तो उसका जो ताल्लुक होगा वो होगा 27 रजब से। अलबत्ता दुनिया भर में हम जहां भी जाते हैं, चाहे एक मजलिस हो चाहे ज्यादा हो, तो उन कोशिश करता हूं कि उनको बताऊं कि भाई कैलेंडरों में आमतौर पर जब 27 रजब लिखा जाता है तो क्या लिख देते हैं, मेराज। ये नतीजा है दीगर मजाहिब के इन्फ्लुएंस का। अगर मेराज का एक कौल मान भी लिया जाए, हमारे यहां मेराज एक नहीं है, बहुत सारी, हमारे हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी मेराज, सवाल पढ़ते हुए आगे तो हमारे यहां फर्क यह है कि मेराज एक नहीं है, और मेराज रूहानी नहीं है बल्कि जिस्मानी है, यानी अपनी बॉडी के साथ गए थे, और एक नहीं। तो अब अगर 27 को सिर्फ हम मेराज लिख देते हैं तो फिर सवाल किया जाए कि बेअसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कब मनाते हैं। तो तारीख इस्लाम में याद रखें कि बेअसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम तरीन दिन है, क्योंकि हर चीज का दारोमदार इसी पर, और वह है 27 रजब। और जैसा कि मैं तवज्जो दिलाई की जो रिवायत अबू हुरैरा से नकल हुई, इसमें 27 रजब के रोजा यानी ऐलान नबुव्वत रसूलुल्लाह, और ईद गदीर यानी ऐलान इमामत मौला अमीरुल मोमिनीन, दोनों का जो सवाब बयान हुआ है उसमें खास मैचिंग है, वो क्या है, 60 साल के रोजों का। वजह यह है कि यहां ऐलान नबुव्वत हुआ है इस तारीख में, और खत्म नबुव्वत के साथ साथ यहां पर ऐलान इमामत हुआ है। लेकिन कौन सा इमाम, कोई बादशाह या फातेह नहीं। अब आप देखें कि फजीलत बयान की जाती है कुछ लोगों की कि वो बड़े फातेह थे। आप समझ गए कहां इशारा है, बड़े बड़े फतुहात की। अच्छा, अगर फतुहात की तो क्या हुआ, कहते मौला अमीरुल मोमिनीन से अफजल है। अच्छा, अगर ये मायार है तो रसूल अल्लाह से भी अफजल है, और मौला अमीरुल मोमिनीन में अगर ये कमी मान ली जाए तो माशाल्लाह 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 रसूल अल्लाह में भी कमी थी। याद रखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें की थी उन पर मुसल्लत की गई थी, बाद रसूल अल्लाह इस्लाम का चेहरा बदल गया, बिल्कुल जो है रोमन एम्पायर की तरह, ईरान के एम्पायर की तरह, जापान और चाइना के एम्पायर की तरह, किश्वर कुशाई और कतलेआम का सिलसिला शुरू हुआ कि जिसको इस्लाम में बड़ी अहमियत दे दी गई। और आज बाज लोग के मुझे ताज्जुब होता है, उसमें बाज अपने शिया भी ऐसे निकलते हैं कि जो फजाइल पढ़ रहे होते हैं कि हाय वाय पहला इस्लाम पहुंच चुका था स्पेन तक। इस्लाम स्पेन तक नहीं पहुंचा था, इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी और इस्तेमार पहुंचा था। अगर वो इस्लाम सही था
और अगर वो इस्लाम की अजमत थी और अगर वो सही काम था तो फिर जो कुछ हुआ माशाल्लाह, हम इसको गलत कह रहे हैं, यादी बात ना, बस जो कुछ हुआ इन कॉलोनियल सिस्टम वालों के हाथों इंडिया में या बेल्जियम में या फ्रांस या ट्यूनिस में, अलजजायर में, मराकश में, लीबिया में, अफ्रीकन कंट्रीज में, फिर यहाँ कैनेडा में, फिर वहां अमेरिका में, फिर वहां ऑस्ट्रेलिया में, तो वो सारा कत्लेआम सही नहीं। क्या मुराद है? इस्लाम ये गुंडागर्दी करे, इस्लाम नहीं यानी इस्लाम के नाम पे ये गुंडागर्दी हो तो सही है, तो किस मुंह से हम कहेंगे ब्रिटिश के कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ, बेल्जियम के कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ, फ्रांस वालों के जुल्म के सिस्टम के खिलाफ, पुर्तगाल वालों के इस सिस्टम के खिलाफ, हॉलैंड वालों के सिस्टम के खिलाफ? वहां सही है तो यहां भी सही है। फिर इनको भी ये कहने का हक है कि इस चैरिटी आ गई थी कहां तक, पूरे बर्रे सही है। क्रिश्चियनिटी आ गई थी कहां तक, फ्रांस के जरिए से, ट्यूनिस में, अलजजायर में, मराकश में और पूरे नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट में। क्रिश्चियनिटी आ गई थी कहां तक, मिसाल के तौर पर इटली के जरिए लीबिया में। एक जुल्म की तारीफ करेंगे, तमाम मजालिम की तारीफ करेंगे। बस अशरफ अल-अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दिलों को फतह करने आए थे, कत्ले आम करने के लिए नहीं आए थे। और अगर किसी साहब की यह फजीलत बयान की जाती है कि खूब फतुहात की, तो ये हम बता चुके कि फिर यह फजीलत माशाल्लाह माशाल्लाह रसूल अल्लाह ने दी थी, इन्हीं ने दी। तो बड़ा जरूरी है समझना कि नबुवत क्या है। नबुवत अहले बैत से समझी जाए, और अगर किसी ने कोशिश की नबुवत को सिहाए सित्ता से समझने की, तो फिर नतीजा वही निकलेगा कि इंडिया में निकला एक किताब की सूरत में, कि जिसका नाम भी लेना कबाहत है, कि जिसमें लफ्ज रंगीला वो क्या, उसे इलमदीन साहब ने कत्ल कर दिया और वो शहीद भी हो गए बबल खुद। उस अलमदीन से कहा जाता कि इसके रेफरेंस में जाके देख लेते भाई साहब, मौलवियों ने उठा दिया, उड़ गए जी, मार दो तो मार दो, तो मुसलमान होना बजाहिर अलग है, सही माना में अल्लाह की तौहीद को और अल्लाह के कॉन्सेप्ट को समझना अलग चीज है। क्या हमें वो खुदा कबूल है दाढ़ी, नौजवान की सूरत वाला जिसकी दाढ़ी मुझे ना हो, भुगरियाले बाल वाला मान सब, जहन्नम में टांग डालने वाला, क्या हमें वो नबूवत कबूल है कि जो बीवियों के साथ तमाशे देखें, रेस लगाएं और हजार किस्म की अजीब और गरीब हरकतें? ना, हम नबूवत को मानते हैं, उस नबूवत को नहीं मानते। और बिल्कुल इसी तरह से हम इमामत को मानते हैं इस दुनियावी दहशतगर्दी वाली और इमामुल मुतकल्लिब वाली और तलवार के जरिए से और बिलकहर बिलगलब। इस लफ्ज को याद रखें, इमामत और खिलाफत का तरीका क्या है, बिल कहर वल गलबा। ये इल्म कलाम में उनका इस्तेमाल होता है, बिल कहर वल गलबा, और बाज़ दफा कहते हैं बिल सैफ यानी बिल तलवार। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ अशरफुल अंबिया के फौरन बाद शुरू हुआ, और सबसे पहले जो जुल्म हुआ खुद वो खानदान रसूल में शुरू, लेकिन असहाब में से जिन पर सबसे ज्यादा सबसे पहले जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ और उसको छुपाया जाता है, वो जुल्म हुआ हजरत मालिक इब्ने नुवैरा और उनके कबीले पर, और खुसूसन उनकी जौजा
جناب لیلہ بنت منہال کی جن کی کنیت تھی ام تمیم, بزرگ کیا ہوا؟ اب آپ تصور کریں کہ چیزوں کو بیان کرنا عموماً خطرناک سمجھا جاتا ہے, لیکن صحیح دین اس کے بغیر کلیئر نہیں ہو سکتا. یعنی خلافت کے بعد جو پہلا حکم صادر ہوا ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا حکم صادر ہوا ہے؟ کہ جاؤ اور دیکھو کہ اذان دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. ان سے کہو کہ اذان دو اور نماز پڑھو, نہیں دیتے نہیں پڑھتے تو ان کو قتل کر دو, جلا دو اور جو چاہے کرو, اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان سے زکات مانگو, اور اگر نہیں دیتے ہیں تو انہیں قتل کر دو اور جو چاہے کرو. یہ اشرف الانبیاء رحمت للعالمین کے بعد والوں میں سے جو سب سے پہلا حکم صادر ہوا ہے عالم اسلام میں, وہی اور یہ حکم لے کر جب خالد ابن ولید نے حملہ کیا ہے یمن پر, تو وہاں پر مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھے کہ جو یمن میں ان کے نمائندے تھے, اور اشرف الانبیاء نے ان کو اپنا زکات کا نمائندہ بنایا تھا اور اتنی اجازت دی تھی کہ زکات خود ہی جمع کرو اور یہاں نہ بھیجو, خود ہی فرض کرو. خالد ابن ولید نے حملہ کیا, حملہ کرنے کے بعد ان کو قتل کیا, قتل کرنے کے بعد ان کا سر کاٹا, سر کاٹنے کے بعد سروں کو اینٹوں کے طور پر رکھ کر اس پہ دیگ رکھ کر کھانا پکایا گیا, اور اسی رات ان کی زوجہ حضرت ام تمیم بنت منہال یا لیلہ بنت منہال جن کی کنیت تھی ام تمیم, ان کی آبرو کو پارا پارا کیا. اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا کہ اہل بیت اور دشمن اہل بیت میں فرق کیا ہے, اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا نعمت ہے. ہاں, اب ہماری یہ نہیں ذمہ داری کہ کسی کی توہین کرے نا, لیکن ہمیں چیزوں کو علمی طریقے سے اور صحیح طریقے سے بیان کرنا ہے. یہ جو جناب حضرت مالک ابن نمیرہ تھے, یہ اصل میں غدیر سے آشنا تھے. اب جب زکات لینے کے لیے آدمی پہنچا تو ان کو تعجب ہوا کہ زکات مانگنے والا کہہ رہا ہے کہ جی فلانے نے مانگا, ہمارے ذہن میں تھا کہ علی بن ابی طالب کا نام آئے گا. اب انہوں نے کام بہت ہی پرفیکٹ کیا. یاد رکھیں کہ اس وقت اگر میں آپ کو اتھارٹی دوں کسی چیز کی کہ آپ میری جانب سے پیسہ جمع کر سکتے ہیں, ٹھیک, تو جب تک میں زندہ ہوں تو یہ اتھارٹی رہے گی, جیسے ہی میں مروں گا پھر رہے گی آپ کے پاس, پھر ختم. تو مالک ابن نمیرہ نے کیا کیا کہ جو مال ان کے پاس تھا, دیکھیں بہت پرفیکٹ کام کیا, مالک نے مال لیا آپ سے. کیوں لیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم لے. آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب تو نہیں لے سکتے وہ مال, اور جو لے چکے تھے مال وہ کیا کیا؟ واپس دے دیا. اس کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ تم نے مجھے مال دیا تھا مثال کے طور پر کل, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 5 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے, تو در حقیقت جو میری پاور تھی وہ ختم ہو چکی تھی. کب؟ کل یا 2 ہفتے پہلے؟ 2 ہفتے پہلے ختم ہو گئی تھی. لہذا 5 دن پہلے جو تم نے مال لیا ہے وہ مجھے لینے کا حق نہیں تھا, یہ واپس لے لو. اس سے زیادہ کوئی شریف اور عادل آدمی نہیں ہو سکتا. اب جب آ کے ان سے مال طلب کیا خالد بن ولید نے تو انہوں نے کہا میں مال لوں گی, جو مال تھا میں نے دے دیا. دوسری بات یہ کہ تم کس کی جانب سے آئے ہو؟ ہم نے تو غدیر میں علی بن ابی طالب کو سنا تھا,
इसी दौरान मौसूफ की निगाह पड़ गई इस पर, उनकी ज़ौजा पर। अब ये हम नहीं कह रहे, शिया किताबें नहीं है, तमाम तवारीख अहले सुन्नत उठा के देख लें तो जब आपको मौजू मिलेगा मालिक अपने नुबैरा का, तो वहीं पर मौजू मिलेगा लैला बिन्त मिदहाल का, यानी नाम के जरिए से, या लकब मिलेगा, या ये मौजू मिलेगा उम्मत तमीम के नाम से यानी कुनियत के जरिए से, या ये मौजू मिलेगा ज़ौजाए मालिक के नाम से। और हर जगह एक मौजू मिलेगा कि वो हुस्न जमाल में बहुत आला थी, फाएकतुन फिल जमाल। अब आप तसव्वुर करें, तो शिया की बात नहीं, तो इन सब हर जगह जब भी जिक्र होगा उम्मत तमीम के नाम से, या लैला बिन्त मिदहाल के नाम से, या ज़ौजाए मालिक बिन नुवैरा के नाम से, तो वहां पर आएगा कि मशहूर वतुन फिल जमाल, बहुत मशहूर थी हुस्न जमाल में, या फाएकतुन फिल जमाल, बहुत ही आला दर्जे की हसीन खान। अब ये सहाबिया की इज्जत पामाल हुई किसके जरिए से, और अगर इस मौजू को डिस्कस किया जाता है तो कहते हैं कि शिया तौहीन कर रहे हैं, या हम नहीं तौहीन कर रहे, बाबा ये सारी किताबें कह रही हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा फिल्म भी है। और आपको ताज्जुब होगा कि इस मौजू को आप जाके देखें, तो हमने इसको डिस्कस किया है बाकायदा क्लिप्स के साथ, कि मिस्र के एक आलिम अहले सुन्नत के इस्लाम की बदनामी के असबाब के तौर पे कह रहे हैं कि ये इस्लाम है जिसने इस्लाम, ये इस्लाम है कि जिसने लोगों को दहशतगर्द बना दिया, यानी वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब मिस्र ही के एक आलिम के जो आईएसआईएस के तरफदार हैं, वो तबलीग कर रहे हैं कि ये काम किया जा सकता है लोगों को डराने के लिए, क्योंकि सैयदना खालिद ने ये काम किया था। रिजेक्ट करने वाला भी कह रहा है कि ये काम गलत हुआ था, और ताहिद करने वाला भी कह रहा है, दोनों हम में से नहीं है। यानी वो अगर कहें कि जाओ ये काम तुम कर सकते हो क्योंकि फलाने ने किया था, तो तौहीन नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि लोग दीन से निकल रहे हैं, किस वक्त चीजें अरब दुनिया में डिस्कस हो रही हैं कि लोग अरब दुनिया में एथियस क्यों हो रहे हैं, या ये कि लोग दुनिया अरब में शिया क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह बयान कर रहे हैं कि जब तुम लोगों ने इतना जुल्म किया है रसूल और आले रसूल पर, और जब ये जराइम जो है इस्लाम के नाम पर हुए, तो आखिर में दो ही सूरतें बचती हैं, या नौजवान एथियस हो रहे हैं, या नौजवान शिया हो रहे हैं, या नौजवान इतने शदीद मुतअस्सिब और हबीस किस्म के दुश्मन है रसूल आले रसूल हो रहे हैं कि अहद, यानी समझ रहे हैं बात को लेकिन मानने को तैयार। ये तमाम चीजें जब बयान की जाती हैं, तब पता चलता है कि आइम्मा की इमामत के माना क्या है। ये तमाम जब चीजें पता चलती हैं, तो पता चलता है कि रहमतुल आलमीन का जो जानशीन है, वो खुद अपने जमाने का रहमत होना चाहिए, वो खुद अपने जमाने में रहमत में और अजमत में सबसे बुलंद होना चाहिए। यही वजह है कि हमारे यहां इमामत के लिए जो शर्त है वो इस्मत शर्त है, वो तलवार शर्त नहीं है, फुतुहात शर्त नहीं है कि कितने मुल्कों पर कब्जा किया, वो खजाना शर्त नहीं है, फौज शर्त नहीं है। वो भी ये कहा गया कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अदल और इंसाफ की हुकूमत होगी, तो वो इमाम मासूम ही की जीरे निगरानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर इमाम मासूम के पास हुकूमत ना हो तो वो बाकी भी उनकी इमामत बेकार हो जाएगी। नहीं, ये एक चीज है, ये एक चीज है। बस हमारे यहां जो इमामत है, हमारे यहां जो खिलाफत है, वो डिवाइन है, वो अल्लाह सुभानहु व तआला की जानिब से, वो एक मकाम बुलंद इस्मत है, वो एक विलायत कुल्ली इलाही है, वो अल्लाह सुभानहु व तआला का नुमाइंदा और खलीफा है, वो हुज्जत खुदावंद तबारक व तआला है, वो इंसान कामिल है, अशरफुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बुलंद मकाम पर है।
अगर उसमें जलवा देखना हो हजरत आदम की अजमत का या हजरत नूह की अजमत का या हजरत इब्राहिम का या हजरत इसहाक का या हजरत यूसुफ का या हजरत याकूब का या हजरत मूसा का या हजरत ईसा का, तो हर अजमत का जलवा नजर आएगा इन आइमा इस्नाशर अलैहिम सलातुस्सलाम। अब जब हम कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सदफतुल्लाह, तो फकत इमाम हुसैन नहीं है वारिस आदम सदफतुल्लाह, मौला अमीरुल मोमिनीन से लेकर तमाम आइमा और इस वक्त के हमारे जमाने के इमाम हजरत हुज्जत इब्न हसन अलस्करी के महदी भी वारिस हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आयमा अलैहिस्सलाम के अदवार में आयमा ने कैसे खिदमत अंजाम दी, लेकिन अब क्योंकि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है तो फकत एक मौजू की जानिब तवज्जो दिलाकर फिर वाक़िए कर्बला की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि ये अय्याम वो है कि जिनमें कर्बला को फकत मसाइब की हद तक डिस्कस नहीं करना है बल्कि और ज़ावियों से भी डिस्कस करना है। सलात है पर मोहम्मद वाले इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम की जंगों के बारे में भी किसी के जहन में आ सकता है वो आते ही कबले आप शुरू करते हैं ना, बिल्कुल इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम आने के बाद हुज्जत को तमाम करें। इस मौजू पर अगर देखना चाहे द साइन ऑफ द रीअपीयरेंस ऑफ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम से पूरी हमारी सीरीज है 27 लेक्चर्स की, वो क्या हम उसको दोबारा भी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक टीवी चैनल के लिए हमने खुसूसन किए थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि और 20-22 मिनट, लेकिन अगर उनको फैलाएं तो हर हर मौजू में पूरी डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। हमारी ख्वाहिश यही थी कि उसमें वीडियो एडिट करें, वीडियो ऐड करें, चीजें ऐड करें, क्योंकि आप जाके देखें और छोटे छोटे से लेक्चर हैं और खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र है कि अरबी फारसी में भी हत्ता अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतनी तफसील से उस तरीके से ये मौजू डिस्कस किया। वो कि हमने पहले पूरी फिक्र की, पहले पूरे उसूल दीन किए, वो आप जाके देख सकते हैं shianews.com में पूरे अहकाम किए, लिहाजा वो तमाम अफराद के जो कोई भी फिक्री मसला वीडियो के साथ समझना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है shianews.com पर और यूट्यूब पर भी मौजूद है, चाहे वो कोई भी मौजू हो, गुस्ल हो या वुज़ू हो, नमाज हो, नमाज का तरीका है, निकाह, तलाक, जानवर का ज़बह करना, सारे मौजूदात हैं। सिर्फ दो मौजूदात रह गए थे क्योंकि हम चाहते थे तफसील से डिस्कस करें और वो तौफीक नहीं हमें मिल सकी, वो हज और उमरे को हम चाहते थे कि वहां जाकर तफसील से करें, वो तौफीक नहीं मुमकिन है, अल्लाह सुभान व तआला कभी तौफीक अता फरमाए। लिहाजा द साइन ऑफ द रीअपीयरेंस ऑफ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आप लोग जब भी मौका मिले देखें और एक दूसरे को तवज्जो दिलाएं। उसी में हमने एक मौजू डिस्कस किया है कि जिसकी जान तवज्जो रहे, क्योंकि जब हमने डिस्कस किया कि इस्लाम रहमत है, इमाम ज़मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है और इस वक्त रहमतुल आलमीन के जानशीन है और वो भी रहमतुल आलमीन है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से, उनकी औलाद होने के मामले से, उनके खलीफा होने के मामले से बराबर नहीं है यार। वो जब आएंगे तो फकत एक मौजू डिस्कस करें कि इस वक्त फलस्तीन में अब के जाहिर फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा है, तो नक्शे के अखबार से जब आप जाएंगे तो कहा जाएगा इसराइल में वहां पर दो लेख है, एक बहुत ज्यादा सॉल्टिश है, दुनिया में सबसे ज्यादा सॉल्टिश है, उसे कहते हैं डेड सी, सी नहीं है लेख बहर नहीं है, उसे कहते हैं आमतौर पर बुहैर, वो डेड सी सबसे ज्यादा नमक वहां पर। दूसरी है, उसके बहुत सारे नाम है जो मशहूर है, वो है तिब्रिया सी, तिब्रिया सी वो मीठे पानी की। हजरत ईसा जो बैप्टाइज हजरत याहिया जो बैप्टाइज करते थे लोगों को, तामीर या बपतिस्मा जिसको कहा जाता है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, जो पहला गुस्ल दिया जाता है या तौबा के लिए जो है, वो सब उसी जगह में, हजरत ईसा का जो मौजजा था पानी में चलने का उसी जगह।
इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या है कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त पूरी दुनिया की जो नॉलेज होगी वो होगी दो अल्फाबेट के बराबर। ये रवायतों में ऐसे मिसाल दी गई दो अल्फाबेट के बराबर। अब अरबी में जो अल्फाबेट है वो या 27 या 28 कहे जाते हैं। तो क्या मुराद हुई, यानी दो के बराबर इल्म होगा और 27-28 के बराबर इमाम ज़मान उस नॉलेज को ऊपर ले जाएंगे आगे। सुभान अल्लाह, यानी कितने परसेंट हो जाएगी ज्यादा, 1300%, यानी हर नॉलेज को ऊपर ले जाएंगे। अब वहां पर जो लोग होंगे, जो रिवायत से पता चलता है कि उस जमाने में भी अभी क्या होगा पॉलिटिकली क्या नहीं होगा खुदा बेहतर जाने, लेकिन वहां पर यहूदी होंगे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम उनको कैसे कहेंगे कि मैं इमाम, क्योंकि नबी और इमाम की यह जिम्मेदारी है कि वो सामने वाले को मुतमईन करे। फर्ज करें कि एक आदमी है जो कुछ नहीं समझता, उसकी जो फील्ड है वो है फर्ज करें कि इकोनॉमिक्स का माहिर, और दुनिया भर में जहां ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुई, रिसेशन हुई, उसके लिए वो हैरान है, परेशान है कि सारी कैलकुलेशन खराब हो गई फर्ज करो। और वो इमाम से कहता है कि मुझे तो आप ये बता दीजिए, पिछले 40 साल से मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये काम खराब नहीं हो जाता है, अब ये हल करने में मान लूंगा। अब इमाम कहेंगे मुझसे तो नमाज का मसला पूछो, तो कहेगा घर आपको ये नहीं पता तो फिर हम तो मुतमईन नहीं है आपसे। एक आदमी मुमकिन है कि जियोलॉजी का माहिर, उसके जहन में कोई सवाल है, वो कहेगा भाई यहां मेरा दिमाग अटका हुआ है, इसको आप क्लियर कर दीजिए तो मैं समझूंगा आपको। तब से दूसरा आदमी कहता है कि मेरा जो मौजू है वो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में आमतौर पर डिस्कशन करते हैं तो बताते चले कि सबसे ज्यादा मार्फत खुदावंद तबारक तआला का जो मौजू है ना वो एस्ट्रोनॉमी, उससे ज्यादा अच्छा मौजू दुनिया में कोई नहीं। वो के हर सब्जेक्ट मार्फत खुदा का सबब है, चाहे जियोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे बायोलॉजी हो, खुद जियोलॉजी जो है वो मार्फत खुदावंद तबारक तआला का। जो बाज दफा बड़े बड़े पत्थर देखते हैं, पत्थरों पे लाइनें देखते हैं, बाज दफा जो टनल में से गुजर रहे हो या रोड बनी हो, रोड पे जो लेयर देख रहे हो, तो मुझे तो वाजा दिल चाहता है बाज दफा रुक के फकत लेयर्स को देखू, क्योंकि हर लेयर के पीछे हजारों साल की दास्तान है। एक एक लेयर के पीछे काली लेयर क्यों है, ये रेड लेयर क्यों है, ये अचानक सफेद क्यों हो गई है, ये इस जगह पर इतने गोल गोल पत्थर क्यों हो गए हैं, ये पत्थर कितने टेम्परेचर पर पिघले थे, हर चीज मार्फत खुदा की चीज। लेकिन सबसे ज्यादा मार्फत खुदा वाली चीज क्या है, एस्ट्रोलॉजी। अलग याद रखिए, हमारे पास दूसरे मजाहब के मुल्ला फौरन उधर चले जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, इस तिब्रियासी से ताबूत सकीना निकाल, ताबूत सकीना से क्या मुराद है, हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का ताबूत नहीं है, ताबूत सकीना कुरान की इस्तलाह है कि जिसमें अंबिया बनी इसराइल के तबरुकात हैं और उसी में असल तौरात हो, तौरा जब कहा जाता है तो मुराद पूरी बाइबल नहीं है यार, बाद में बनाई गई है, उसमें ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट का रिलेशन है किसके साथ, हजरत ईसा के से, और जो गॉस्पल्स हैं वो हैं, और जो बाद में हजरत ईसा के मानने वाले हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं दर हकीकत वो एक इलाही का नाम है, तो वो न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट में जो है वो मुख्तलिफ अंबिया से मंसूब किताबें हैं और उसी में से एक जो है वो तौरा है, पूरी तौरा नहीं, एक उसी में चैप्टर तौरा है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्या करेंगे,
यानी उस वक्त के लोगों का हक है कि नहीं है कि इमाम से कहें, इमाम जब उनको लाके तौरा दें तो वो जदीद लेदर पे लिखी हुई हो और वो मान ले ऐसा ही, जबकि बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हों, या A4 कागज पे लिखी हो नए तो वो मान ले ऐसे ही, ऐसे ही मान ले, वो डंडे के जोर तो ऐसे मान सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है कभी एक कागज मुझे वाजे नजर आ रहा है, 30 साल का है या 10 साल का है, 50 साल का है या 100 साल का है, अब जाहिर जब जहूर होगा तस्वुर कर लें, कम से कम 2,500 साल तो भी लगा लेंगे, बाद में जब जहूर होगा तो अब जब इमाम पेश करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसे नहीं मान लेंगे। तरीका ये होता है कि जितने भी ये चीजें निकलती हैं वो जिस एनवायरमेंट में होती है उसके मुताबिक उसकी लेयर्स को बाकायदा पढ़ा जाता है, उसकी कोडिंग होती है कि इसमें मिसाल के तौर पर कैल्शियम है तो कितनी है और फलानी चीज है तो कितनी है और फलानी चीज है तो कितनी है, इस समुद्र के हिसाब से इसमें तहे लगी है कितनी है, उनकी पूरी कैलकुलेशन होती है। उसके बाद कहा जाता है फॉसिल्स वगैरह के बारे में कि ये मसलन मसलन 5 मिलियन साल पहले, ये मसलन 10 मिलियन साल पहले, वो चीजें ऐसी हवाई गप्पे नहीं होती है यार, वो सारी चीजें जो है बहुत कैलकुलेटेड होती हैं। उसमें जब रिसर्च स्कॉलर्स बैठते हैं, साइंटिस्ट बैठते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आदमी कह के नहीं है तो 50 साल पहले की चीज है, दूसरा आदमी कह के नहीं है 50,000 साल पहले की चीज है, इतना डिफरेंस या हत्ता 2,000 साल का डिफरेंस भी आमतौर पर नहीं आता। तो इमाम उन चीजों को इन यहूदियों के सामने पेश करेंगे, यानी यहां सवाल करते हैं कि इमाम इनको कहें कि मैं इमाम हूं तो हमारा अकीदा ऐसा नहीं, इमाम पर यह लाजम होगा कि उनकी नॉलेज के हिसाब से उनको कोई चीज है, फिर वो एक बड़ी तादाद इमाम पर ईमान ले आए, एक बहुत बड़ी तादाद ज्यूइश कम्युनिटी की इमाम पर ईमान ले आए, वो जो जंग करेंगे वो इमाम नहीं वो लोग इमाम से जंग, इमाम की जंग उस वक्त भी दिखाई जरूर है, वो क्या अरबी में उसको चकार कहा जाएगा, लेकिन दर हकीकत क्या होगा वो लोग उनके खिलाफ करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद तदरीजन ईमान लेके आएगी। अब जब हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले के इधर उधर के एम्पायर के जो हमला करते थे, तो एक चीज ऐसी है कि जो लोगों की जबान नहीं खुलती इसमें, लेकिन हम जरा खुल के बात करते हैं, इंडिया के बादशाहों ने इतनी गुंडागर्दी नहीं की, बड़ी पते की बात है याद रखें, उन पर की गई, उन्होंने इधर उधर मारपीट इतनी ज्यादा नहीं की, आपस में हुई, यानी ऐसा उनको शौक नहीं था कि यूरोप तक पहुंच जाए या इधर पहुंच जाए या उधर पहुंच जाए, तो इंडिया के लोगों में जो इंसाफ की बात करनी चाहिए कि खून खराबे का इतना जज्बा नहीं था, वो के वहां पर महाभारत की जंग भी हुई, रामायण की जंग भी हुई, वो तो इंसानों में होती है, वो तो हजरत आदम के दो बच्चों में भी हो गई, अगर ये दो हुए थे एक ने दूसरे को मार दिया दोनों तो पूरे पूरे खानदान होते तो खानदान लड़ रहे होते, एक इस पहाड़ पे होता है उस पहाड़ पे होता दोनों एक दूसरे को मार रहे होते, यही जंग हो जाती है। तो हर इमाम अपने जमाने में एक रहमत है और खुदाबंद तबारक व तआला की जानिब से, यहां तक ये बात हो गई, अब इंशाल्लाह अगर कल तक जिंदगी रही तो ये जो जहन तैयार हो गया है इंशाल्लाह इसी सूरत में इमामत को क्लियर किया जाएगा और इस्लाम के नाम से जो दहशत गर्दी हुई है थोड़ा थोड़ा वो भी दिखाया जाएगा, ताकि हम आप कम से कम धोखा ना खाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम आप कभी शोक मना रहे हो हाय कर्तव्य से इस्लाम चला गया, अच्छा वो चला गया, वो इस्लाम पर मुहैया का था, वो इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहिम का नहीं था, वो इस्लाम कुरान अहले बैत का नहीं था, वो जुल्म से आया था जाना था, वो बिल्कुल ऐसा इस्लाम था कि जो महमूद गजनवी लेके आया था, महमूद गजनवी कौन सा इस्लाम लाया था, जब मैं पाकिस्तान में बात टीवी वगैरह में गुफ्तगू की तो लोगों को झटका लगा, मैंने कहा महमूद गजनवी को बामियान के पुतरी नजर आए थे 75 फीट के जो तालिबान ने तोड़े, हम उसके तोड़ने के फेवर में नहीं थे, लेकिन हम उनको कहते हैं उनको सोमनाथ का मंजर नजर आया था, क्यों नजर आया था सोमनाथ का, बामियान के क्यों नहीं नजर आए थे, बामियान में सीढ़ियां लगाते शटरिंग करते तब जाके चढ़ के उसको तोड़ते तो तोड़ के क्या कहता,
पत्थर गिरते हैं, बामियान के बुत में पत्थर गिरते, सोमनाथ के बुत से जवाहरात गिर रहे थे। मसला तौहीद का नहीं था, मसला अल्लाह का नहीं था, मसला इस्लाम के नाम पर लूट मार का था। उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं, उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। सादात की कब्रों का एहतराम हो रहा है उसी इंडिया में। इमाम हुसैन का हम मनाया जा रहा है क्योंकि वो मजलूम थे, जालिम नहीं थे। बहुत सारी जगह जहां पर लोग आम मुसलमानों से जुड़ जाते हैं, लेकिन वही मुसलमान जब उनको हुसैन बाबा का जिक्र करते हुए नजर आते हैं तो वो अपनी जगहें भी दे देते हैं। क्यों? कि हुसैन बाबा उस इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि जिसने कत्ल आम किया। हुसैन बाबा उस इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है कि जो कत्ल हुआ। नारी आज दो मुहर्रम हो गई, हरम रसूल अल्लाह करबला पहुंच गए। कितने आराम से कह दिया करबला पहुंच गए। तसव्वुर तो करें कि मदीने में जिंदगी इतनी सख्त हो चुकी है कि वारिस मदीना को मदीने से निकलना पड़ रहा है। मक्के पहुंचते हैं तो ऐन 8 ज़िलहिज को, कि जब तमाम हज्जाज हज में मसरूफ हैं तो वारिस काबा और जमजम और वारिस सफा और मरवा और वारिस मिना और अरफात को निकलना पड़ रहा है। आलम इस्लाम यहां पहुंच चुका था। अच्छा, एक वक्त आया कि यह काफिला उस सरजमीन में पहुंचा कि जिस सरजमीन की मट्टी अशरफुल अंबिया ने हजरत उम्मे सलमा को दी थी, कि जनाब जिब्रील ने लाके दी थी और कहा था कि यह मट्टी करबला की है कि जहां मेरे हुसैन को कत्ल किया जाएगा, और जिस दिन यह मट्टी खून में बदल जाए तो समझना मेरे हुसैन को कत्ल। और यही वो मट्टी थी कि जब मौला अमीर मोमिनीन गुजरे तो इस मट्टी को उठाया और मट्टी को सूंघा और सूंघने के बाद जमीन पर फेंक दिया, और उसके बाद इमाम हुसैन से कहा सब्रन सब्र, ऐ मेरे बेटे हुसैन सब्र करना सब्र करना। ये वो जगह थी और यहां वो आने वाला था कि इमाम हुसैन की विलादत के वक्त भी अशरफुल अंबिया ने गिरिया फरमाया, जनाब जैनब की विलादत के वक्त भी गिरिया फरमाया, जनाब उम्मे कुलसूम की विलादत के वक्त भी गिरिया फरमाया। वजह क्या थी कि रसूल अल्लाह देख रहे थे कि मेरे बाद इस जगह पर मेरी आल को कत्ल किया जाएगा और मेरी नवासियों की चादरों को छीना जाएगा और असीर किया जाएगा। अज़रुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि इमाम हुसैन उसी सरजमीन पर पहुंचे। इस सरजमीन पर पहुंचना था कि जैनब का दिल धड़कने लगा, बीवियों का दिल धड़कने लगा। जनाब इमाम हुसैन ने भी सवाल किया कि सरजमीन को क्या कहते हैं, वो पहचान गए थे, लेकिन काफले वालों के सामने बयान किया कि सरजमीन को क्या कहते हैं। कुछ ने कहा कि इसको गाजरिया कहते हैं, कुछ ने कहा कि नैनवा कहते हैं, कुछ ने कहा कि करबला कहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया करबन और वो करबन व भला, ये अर्ज है करब और भला की। इमाम ने निदा दी कि काफिलों को, काफिले को रुकाया जाए और फरमाया हा होना मक्तल होना व मस्फक दिमाना, ये हमारे कत्ल की जगह है और यहां पर हमारा खून बहाया जाएगा। जब ये जुमला जनाब जैनब ने सुना तो घबरा गई। तसव्वुर करें कि जनाब जैनब अभी फकत एक जुमला सुन के घबरा गई और उसके बाद बेहोश हो गई। वो कौन सा जुमला था कि यहां हमें कत्ल किया जाएगा और यहां हमारा खून बहाया जाएगा। अभी इमाम हुसैन जिंदा है, कत्ल नहीं हुए। इमाम हुसैन जिंदा हैं,
तमाम घर वाले जिंदा हैं, कत्ल नहीं हुए, खून नहीं बहा, फकत सुनना था कि जनाब ज़ैनब बेहोश हो गई। अजरकुम अल्लाह, मकातिल का बयान हुआ कि जनाब ज़ैनब पर जनाब इमाम हुसैन ने अपनी आगोश में लेके पानी छिड़का, जनाब ज़ैनब गिरिया करती हुई दोबारा होश में आई। या जनाब ज़ैनब, अभी तो आपने किसी का कत्ल नहीं देखा, अभी तो आपने किसी का खून बहते हुए नहीं देखा। हम मोमिनों, ये काफिला यहाँ पर पहुंचा, लेकिन ये जब मदीने से चला था तो अजब शान से चला था। खानदान बनी हाशिम सवार हो रहे हैं, हम मोहल्ले बनी हाशिम में सवारियां आ रही हैं, एक एक करके बीवियां सवार हो रही हैं, लेकिन एक ऐसी जलील कदर बीवी, एक ऐसी जलील कदर बीवी खैमों से निकली, घर से बाहर निकली कि तमाम बनू हाशिम में तहलका सा मच गया, सब अपनी जगह से खड़े हो गए। ये हुसैन की बहन है, बहुबा के नहीं, ये हुसैन की माँ की सानी, ये सानी ज़हरा है। हुसैन की निगाह में ये बहन नहीं है फकत, वो के बहन है और छोटी बहन है, बल्कि ये हुसैन की निगाह में सानी के फातिमा है, सानी ज़हरा है। ये हुसैन की निगाह में दूसरी मां है। यही वजह थी कि इमाम हुसैन अपनी जगह से उठ गए, जनाब ज़ैनब के तमाम भाई अपनी जगह से उठ गए, और कभी जनाब उम्मे कुलसूम को सवार किया, कभी जनाब लैला, कभी जनाब रुकैया बिनत अली को सवार किया, कभी जनाब खदीजा बिनत अली को, कभी जनाब फातिमा बिनत अली, कभी जनाब उम्मुल कराम बिनत अली, कभी जनाब उम्मे कुलसूम सानिया बिनत अली, इन तमाम बहनों को भाइयों ने सवार किया। लेकिन जब जनाब ज़ैनब की बारी आई तो तमाम मोहल्ले बनी हाशिम में अजब एक एहतराम का सिलसिला, अजब एक जलजला सा आ गया कि फातिमा की बेटी घर से निकल रही है मदीने को तर्क करने के लिए। अजरकुम अल्लाह, आज वही फातिमा की बेटी जमीन करबला पे पहुंची तो उसे बचना गया। अजरकुम अल्लाह, हम मोमिनों, इमाम हुसैन ने ज़ैनब पर पानी छिड़क के ज़ैनब को होश में ला कर दोबारा मुमकिन है मसाइल सुनाए। वो मकातिल में बयान हुआ, रिवायतों में बयान हुआ कि जनाब ज़ैनब अपने भाई को देखती रहती थी, किसी भी काम में मसरूफ होती थी, लेकिन हर कुछ देर के बाद अपने भाई पे, अपने भाई पे निगाह डालती थी। दिल ये कहता है कि अब इन तमाम दिनों में जनाब ज़ैनब ने जो सबसे ज्यादा इबादत की होगी, वो जानते हैं कौन सी इबादत है? वो इबादत थी अपने जमाने के इमाम के चेहरे को देखना, क्योंकि पंजतन में से ये आखिरी जात थी कि जिसे इस जमीन पे सिपा होना है। अजरकुम अल्लाह, बस एक वक्त आया कि जनाब ज़ैनब बेहोश हो गई, और जब होश में आई तो किस तरह से उनकी बारगाह में इस मौजू को बयान करें बीबी। आप अपने भाई की जबान से फकत एक जुमला सुन के बेहोश हो गई कि यहाँ हमें कत्ल किया जाएगा, हमारा खून बहाया जाएगा। अरे उस वक्त क्या होगा कि जब करबला की सरजमीन पे कभी हसन का जिगर पामाल हो होगा, कभी अली अकबर का जिस्म पामाल होगा, पिता पिता कर दिया जाएगा, वो कतल हो गए ऐसी आप मेहरबान एरबा, इतने तलवार के भार होंगे अली अकबर पे कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा जिस्म अथर। ऐ ज़ैनब, क्या होगा उस वक्त कि जब लोग इसी सरजमीन पे खड़ी होंगी और हुसैन तनहा रह जाएंगे और मख्तर में विदा होके जाएंगे, कि जब पंजतन में से आखिरी जात जाने वाली होगी, क्या होगा उस वक्त कि जब आप ज़ुल्जना की पुश्त को खाली देखेंगी, लेकिन निदा देंगी, ऐ उमर साद तो देख रहा है और फर्ज़ंद रसूल कत्ल हो रहा है, उमर साद अपना चेहरा पलट लेगा, फिर जनाब ज़ैनब फरमाएंगी, ऐ शर्म रबी अंदर न चला, ऐ शर्म रबी अंदर न चला, ये पास कश्त खत्म न होगी, ज़मीन करबला हिलने लगेगी। ऐ ज़ैनब, क्या हाल होगा जब हुसैन का सर तलवार के वार कर करके जुदा करके नौके नेजा पर बुलंद किया जाएगा। मातम ए हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।